तो वहीं लोकसभा चुनाव के पहले रैलियों का दौर जारी है। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राजस्थान के चूरू में एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में विकास चरम पर है, कोरोना काल में भी विकास नहीं रुका था, हमने गरीबों को पक्के घर दिए, वो भी महिलाओं के नाम पर ये घर दिया गया। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के विकास देखकर दुनिया हैरान है। वहीं कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब नियत सही हो तो नतीजे भी सही आते हैं, पिछले 10 साल में जितना विकास हुआ वो पहले कभी भी देखने को नहीं मिला, अब पैसा सीधे गरीब के खातों में जाता है, पहले बिचौलिए पूरा पैसा गरीबों तक नहीं पहुंचने देते थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी गरीबों के साथ है और आज पूरे देश में मोदी की गारंटी की चर्चा होती है। आज पूरी दुनिया हैरान है कि भारत इतनी तेजी से कैसे विकास कर रहा है। दुनिया को पता नहीं है कि भारत की इस मिट्टी की बात ही कुछ और है। हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। पिछले 10 साल में आपने देश को बदलते देखा है। आप याद करिए, 10 साल पहले तब देश कितनी खस्ता हालत में था, कांग्रेस के बड़े बड़े घोटालों और लूट के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। दुनिया में भारत की साख गिरती जा रही थी। आजादी के इतने दशक बाद भी देश के लोग जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझ रहे थे। करोड़ों गरीबों के सर पर छत नहीं थी, करोड़ों लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं था, हमारे गांव अंधेरे में डूबे थे, वहां बिजली भी नहीं पहुंची थी और लाखों करोड़ की लूट से सरकारी खजाना खाली ही रहता था। आप लोगों ने भी सोचा होगा लिया, जब हालत इतनी खराब थे, इतने दशकों तक बुराइयां थी, तो इसका मन पर भी असर होता है। और आप सब देशवासियों ने मान लिया था कुछ बदल नहीं सकता, अब देश का कुछ हो ही नहीं सकता, हर कोई निराशा में डूबा हुआ था। इसी हताशा निराशा में 2014 में आपने गरीब के इस बेटे को अपनी सेवा का मौका दिया। हताशा निराशा ये मोदी के पास भी नहीं पटक सकती। और मैंने तय किया कि हालात बदलने ही होंगे और मेरे लिए तो मेरा भारत मेरा परिवार है।